मेरे उत्तराखंड में दूर पहाड़ियों पर गांव बसे हैं और वहीं पर है स्कूल भी। यहाँ जीवन थोड़ा कठिन है। इस साल प्राथमिक विद्यालय के 70,000 शिक्षकों में से 41,000 शिक्षकों ने पहाड़ी गांवों के स्कूलों से मैदानों में ट्रांसफ़र करने के आवेदन किए थे। ये संख्या बताती है कि स्कूलों में शिक्षा देने के बजाय शिक्षक आराम की जगह रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि हमारे प्रत्येक गांव में स्कूल तो है, लेकिन 25-30 हज़ार से ज़्यादा प्रतिमाह वेतन पाने वाले शिक्षक मन लगाकर पढ़ाते नहीं हैं। वे गांव में भी रहने को तैयार नहीं है, जिस कारण मेरे गांव के बच्चे गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस अंधेर गर्दी में कहीं उजाले की किरणें भी हैं। आज मैं ऐसी ही आशा की किरणें दिखाने ले चलती हूँ अपने डुंगरी गांव की स्कूल में। डुंगरी स्कूल सड़क से 3 किलोमीटर सीधी चढ़ाई पर बसा एक पहाड़ी गांव। गांव के बीच में ही है स्कूल, जहां एक शिक्षक है दौलत बिष्ट, जो इसी गांव में रहकर बच्चों को स्कूल के दिन के अलावा छुट्टी के समय भी पढ़ाते हैं। कि ये विद्यालय जो है एक इसमें मेरा परिवार या मेरा घर जैसा माहौल मैंने इनको दे दिया, यहाँ ठहराव के लिए पूरे साधन है। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा जैसे बच्चे जैसे भाई बहन तेरे हैं उसी प्रकार से ये स्कूल के बच्चे भी हैं। वो ये प्रेरणा मेरे को मेरी माँ ने दी। गुरु जी अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे नवोदय में भी निकले हैं। जब छुट्टी भी रहती है उसके बावजूद भी गुरु जी यहाँ पे बच्चों को बुलाते हैं, पढ़ाते हैं। अन्य अध्यापकों जो कि गांव में रहने के बजाय आराम की जगह रहना पसंद करते हैं, उनके लिए डुंगरी गांव के दौलत सिंह बिष्ट एक अच्छा उदाहरण है। सुबह से लेकर के शाम तक मेरी गतिविधि एक निरंतर चलती रहती है और बच्चे हंसने नहीं जा रहे हैं छुट्टी के बाद भी। मैं हर साल प्रत्येक वर्ष जितने बच्चे कक्षा 5 में उनको सबको नवोदय की टेस्ट लाता हूँ और नवोदय की तैयारी कराता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले 1, 2, 3 संख्याएं हैं। यहाँ के बच्चों का अच्छे शिक्षक के अभाव में सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अगर गांव में रहकर ही दौलत सिंह बिष्ट जैसे अध्यापक मिल जाए तो इन बच्चों का भविष्य भी सुधर सकता है। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैंण उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।